मेरा दूसरा प्रयोग है, हमने एक ऐसा प्लास्टिक बना रखा है जिसको पानी में जो यह प्लास्टिक पानी में घुल आसानी से घुल जाते हैं। यह सस्ता और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। हमें इसमें ग्लू, नमक और लीसे की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इस टाइप का प्लास्टिक बनेगा जिसको पानी में डालने से पिघल जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि यह प्लास्टिक पानी में डालने से किस तरीके से पिघल जाता है। आप देख सकते हैं यह प्लास्टिक, अभी थोड़ी देर में इसके काम करेंगे तो यह आसानी से पिघल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। आप देख सकते हैं कि यह प्लास्टिक पूरी तरीके से पिघल गया है और पानी में पूरी तरीके से घुल गया। और इससे कुछ हानियाँ भी नहीं होंगी क्योंकि नमक जो होता है वो आसानी से समुद्री इलाकों में मिल जाता है। जो नमक होता है वो समुद्री इलाकों में होता है तो उससे कुछ हानियाँ नहीं होती हैं। और जो गुद और लीसा होता है वो आसानी से हमें पेड़ों से मिल जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे बनाएं। पहले तो हम इस पर ग्लू डालेंगे। चम्मच नमक और आधा चम्मच लीसा। और हम इसको पूरी तरीके से मिलाकर हम इसको एक प्लेन सरफेस पे हमने अब इसको एक प्लेन सरफेस पे ड्राई होने के लिए रख दिया है। और इसके ड्राई होने के बाद हमें इस टाइप का ये प्लास्टिक मिलेगा जिसको पानी में डालने से गल जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला प्लास्टिक पानी से गल जाता है। आप देख सकते हैं यह प्लास्टिक गल रहा है। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक होता है वो बहुत हमें बहुत हानियां फैलाता है, उससे हमें बहुत सारी हानियां होती हैं। आपने देखा होगा कि जो हम सब्जियां लाते हैं वो थैलियाँ वो खाने में हमारी सब्जियों में लग जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रखा है जिसको पानी में डालने से गल जाता है और जितना भी इसका वेस्टेज बचेगा आसानी से सड़ गल सकता है। हम इसको खेतों में फेंकेंगे तो जब हम अपनी खेतों में सिंचाई करते हैं आसानी से गल जाएगा और मिट्टी उपजाऊ होगी। आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है जो इसको इस प्लास्टिक को हम कुरकुरे ऑयल बिस्किट के रैपरों में इसका हम उपयोग रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के जंगलों में लीसा आसानी से मिल सकता है और लीसा आसानी से मिल जाता है। और जो ग्लू होता है वो हमको पेड़ों से बनता है और लीसा तो हमको आसानी से मिल जाता है और नमक हमको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।